हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के एडवर्टाइजमेंट में हम देखेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे इसके जो है कि आपकी जो पोजीशंस हैं वैकेंसीज की वो क्या क्या हैं और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और किस कैटेगरी में वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि मेरे चैनल का जो नाम है वो दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब्स ट्रेलर है। तो ये मेरा चैनल, जैसे ही आप यूट्यूब पर डालेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब्स ट्रेलर, तो आपको इस टाइप का जो इंटरफेस देखने को मिले का, और ये जो है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे अगर आप जो है लाइफ साइंसेस से रिलेटेड अगर आप इस कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका CSIR GRF हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे ICMR GRF या DBT GRF, या आपका गेट हो या आपका कोई भी MSc या BSc रिलेटेड अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी जो है आपका मेरा चैनल जो है वो यूज़फुल आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट है वो मोस्टली मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज उसके बारे में भी अपडेट करता रहता हूँ। इसके अलावा MSc, PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोजेक्ट असिस्टेंट या डिफरेंट टाइप के जो प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज उसके बारे में बताता रहता हूँ। उसके साथ ही साथ जो मैं, अगर आपको बायोलॉजी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी की, या आप जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ICMR का एग्जाम दे रहे हैं या CSIR का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ यूजफुल जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो बनाता रहता हूँ। तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो देख सकते हैं कि आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। मैंने आप कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके जो है वीडियोज़ भी यहाँ पे बना कर रखे हैं। अगर तो अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए मेरे चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 237 है। तो ये मेगा रिक्रूटमेंट है एक टाइप का देखा जाए, और यहाँ पे सारी वैकेंसी जो है उसको मिला के यहाँ पे टोटल 237 वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट जो नेम ऑफ पोस्ट है वो मेंशन कर रखा है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी भी देखने को मिलेगी कि कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी में है। तो यहाँ पे पोस्ट देखिए, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, 2, 3, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, प्रोजेक्ट टेक्नीसियन, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, SRF और GRF। तो टोटल यहाँ पे मिला के जो आपका वैकेंसीज हैं वो आपका यहाँ पे 237 वैकेंसीज यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखी है। अब देखिए, ये जो वैकेंसीज, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो यहाँ पे कोई भी आपके परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो यहाँ पे मे बी ये 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, जितना भी प्रोजेक्ट जो भी रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा अपना, रिसर्च या आपको मतलब कि अपना टाइप आप यहाँ पे जो है उतने टाइम तक रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है आपका, तो यहाँ पे देखिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, कंसोलिडेटेड अमाउंट, रिजर्वेशन टू SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी हैव बीन इंडिकेटेड इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए उन्होंने वेबसाइट पर मैंशन कर रखा है। तो आप इस पर neot.res.in पर जाकर जो है आप इसके बारे में डिटेल्ड जो भी ब्रोचर वो पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, या क्या क्या इसके अदर जो है रिक्रूट एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डेट देखिए मैंशन कर रखा है वो 30 सितंबर 2021 है, ठीक है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, जो कि चेन्नई में एक ऑटोनोमस R&D ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए लिंक दे रखा है, तो आप इस पर क्लिक करके आप जो है, या आप इस लिंक को जो है वो आप गूगल पे जो है डाल के आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है या क्या क्या इन्होंने जो है ब्रोचर दे रखा है, तो उसी अकॉर्डिंग आप जो है फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने पूरा ऑलरेडी वही सेम चीजें, अब जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको हर पोस्ट का डिस्प्ले, निसेंसर क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो भी देखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 के लिए तो यहाँ 4 वैकेंसीज है वो कि जनरल में है, और यहाँ पे जो एमोलमेंट्स आपको दिया जाएगा वो 78,000 प्लस HR यहाँ पे दिया जाएगा, और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिसिप्लिन जो है वो लाइफ साइंसेस में आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc होना चाहिए, मैरीन बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, एक्वाकल्चर, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे डिजायरेबल जो है आपका PhD होना चाहिए, मैराइन एल्गी, फिन फिश कल्चर, बेलास्ट, वाटर ट्रीटमेंट, माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट जो आपका रहेगा वो रहेगा प्लानिंग एंड कैरिंग आउट R&D रिलेटेड टू मैराइन माइक्रोब्स एंड ऑब्लिक
मैराइन एल्गर ऑफशोर केज कर से बेलास वाटर ट्रीटमेंट। इसके अलावा और भी यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखे हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग दो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं कि आप किस भी पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। ऐसे स्कॉल डाउन करने पर आपको प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे नंबर ऑफ 30 है जो कि अनरिजर्व है, यानी कि कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे देखिए एमोलूमेंट जो आपको दिया जाएगा वो 67,000 प्लस HR यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए हर साल जो है आपका जो है 5% लाइक इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने मैंसन कर रखा है फॉर एवरी 2 ईयर, यानी कि आपका जितना भी 2 ईयर्स का अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको यहाँ पे 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर दे रखी है, डिसिप्लिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल जॉब रिक्वायरमेंट। तो आप अपने जिस भी डिसिप्लिन में अगर आप जो है करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे अलग अलग डिसिप्लिन दे रखा है, सिविल्स में, ECE में, जियोलॉजी में, रिमोट सेंसिंग, ऐसे ही लाइफ साइंसेस 6 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करने पे आपको ऑलमोस्ट जितनी भी डिसिप्लिन सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करने पे देखिए आपको यहाँ पे पूरी जितनी वैकेंसीज हैं और जो भी डिसिप्लिन है सबकी एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी आपको, और आपका यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और आपको यहाँ पे क्या जॉब करना है वो सारा जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देख केमिस्ट्री पेट्रोलियम के लिए भी यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसीज को निकाला गया, जिसमें टोटल वैकेंसी 64 है, जिसमें 28 अनरिजर्व है, 17 OBC, SC9, ST4, EW6। तो यहाँ पे जो एमोलमेंट में से वो 20,000 प्लस आपको HR दिया जाएगा, और आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपका जो है 15% इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, अगर आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है। मैक्सिमम एज लिमिट 50 है। तो यहाँ पर भी सारा देखिए यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन डिजायरेबल और जॉब रिक्वायरमेंट सारा मेंशन कर रखा है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसके लिए जो है अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल हो रही है तभी आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। तो ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको सारी यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो बहुत बड़ा ये ब्रोशर दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, तो आप जिस भी चीज़ के लिए आप जो एलिजिबल हैं आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें और ब्रोशर को अच्छे से पढ़ लें और तभी आप उसके लिए जो है अप्लाई करें। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइक आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं पूरा यहाँ पे मैंसन कर रखा है। तो आपको नियोट की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जो है आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में तो आप ईमेल भेज सकते हैं recruitment@NIUT.RES.IN इंडिकेटिंग द प्रॉब्लम फेस। तो इस मेल पे आप अपना जो तो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सब आप यहाँ पे जो है सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल वही चीज़ है, जो भी आपका फोटोग्राफ लगता है, आपके डॉक्यूमेंट रखते हैं, एक स्कैन जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स लिस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, वो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो OBC, EWS, SC या ST सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ऐसे ही जो है आपका जो है पब्लिकेशन अगर आपके कोई है तो आपको वहाँ पे जो है कॉपीज ऑफ पब्लिकेशन भी अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंसन कर रखे हैं। तो आप अप्लाई करने से पहले आप इसे जरूर जरूर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो देखिए और कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे देखिए एज सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए 10th का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप जो है यहाँ पे एज लाइक एज प्रूफ लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, लेकिन आप अप्लाई करने से पहले आप जो है इसके जो अदर्स पॉइंट्स मेंशन कर रखे उसे अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही जो है अप्लाई करें। यहाँ पे लास्ट डेट जो मेंशन कर रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 13 सितंबर 2021 शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।